बहिः प्रकोष्ठस्य बहिः आलिङ्गः अस्ति आलिङ्गः प्राप्तव्यम् प्रकोष्ठस्य बहिः आलिङ्गः अस्ति प्रकोष्ठस्य बहिः द्वितीयद्वारम् अस्ति अस्ति प्रकोष्ठस्य बहिः मार्गः अस्ति प्रकोष्ठस्य बहिः गमनागमनमार्गः अस्ति प्रकोष्ठस्य बहिः चित्रम् अस्ति प्रकोष्ठस्य बहिः रङ्गोलिचित्रम् अस्ति प्रकोष्ठस्य बहिः बालकः अस्ति युवकः अस्ति जनः अस्ति बालिका अस्ति युवती अस्ति बहिः प्रकोष्ठस्य बहिः गृहं भवति गृहस्य बहिः विद्यालयस्य बहिः बहिः भवति तत्र विसर्गः अपि भवति दश उच्चारणः भवति सति समये भवति बहिः बहिः भवति भवति लघुः तत्र विसर्गः बहिः रामः रामाः तदेव बहिः प्रकोष्ठस्य बहिः स्पष्टम् अग्रे पुनः प्रकोष्ठस्य अन्तः प्रकोष्ठस्य अन्तः आर्यः अस्ति प्रकोष्ठस्य अन्तः सौम्या अस्ति प्रकोष्ठस्य अन्तः कल्पना अस्ति प्रकोष्ठस्य अन्तः राजन् अस्ति प्रकोष्ठस्य अन्तः सूर्यप्रकाशः अस्ति प्रकोष्ठस्य अन्तः दण्डदीपः अस्ति प्रकोष्ठस्य अन्तः व्यजनम् अस्ति प्रकोष्ठस्य अन्तः पीठिका अस्ति प्रकोष्ठस्य अन्तः शिक्षकः अस्ति महोदयः अस्ति बालकः अस्ति इदानीं वाक्यानि वदन्ति बहिः अन्तः
एका इतोपि ददातु वदति किं ददाति एकं वर्गं इतोपि ददातु समीचीनं यदा दुग्धं ददाति अतः एकं दुग्धं एक दशं दुग्धं इतोपि ददातु दन्तैर्घं ददाति दश रूप्यकाणि चॉकलेट खादत तक दस रूप्यकाणि इतोपि ददातु अहं चाकलेहम् अपि खादिष्यामि पुनः पयोहिमम् आइसक्रीम अपि खादिष्यामि पयोहिमम् अपि खादिष्यामि समीचीनम् इतोपि इतोपि स्वीकरोतु इतोपि आनयतु इतोपि छात्राः आगच्छेयुः इतोपि शिबिरं वर्धापनं भवेत् दिनानि वर्धनं भवेयुः स्वीकरोतु स्वीकरोतु
महात्मा गांधी भारत भारत देश नो चेत
ना गच्छतु समझिएगा हाँ वक्तुं शक्नोति यदि विद्युत अस्ति चेत् ज्वालयतु नो चेत् मास्तु चिन्ता मास्तु यदि गजलं चलति तर्हि चालयतु चेत् चालयतु नो चेत् न चालयतु समझिएगा तर्हि वाक्यं भवतु चेत् एक मतलब है तो अनुचित नहीं हो अगर लाइट है तो जलाओ नहीं तो रहने दो चेत मतलब है तो अनुचित नहीं हो यदि वाक्य आकर्षण चेत बदामि अनुचित न बदामि हाँ दत्त भागम करूँगा
दिवसे द्विवारं भोजनं खादामि मध्याह्ने रात्रिकाले च समीचीनम् अहं दिवसे त्रिवारं चायं पिबामि अहं दिवसे चतुर्वारं भ्रमणं करोमि अहं दिवसे पञ्चवारं मन्दिरं गच्छामि अहं दिवसे षड्वारं पुस्तकम् उद्घाट्य पठामि अहं दिवसे सप्तवारं चलचित्रं पश्यामि
कति कति व्यजनानि सन्ति पठितवन्तः कति तु पठितं किं कुत्र कति कदा कति इदानीं कियत् यथा जलं भवति अथवा यस्य वयं मापनं कर्तुं न शक्नुमः यथा सागरे भूजलं भवति तत्र कति जलं भवति एवं न भवति कियत् जलम् अस्ति कियत् जलम् अस्ति कितना जल जिसका हमको परिणाम न कर परिमाण न कर सके ठीक है कियत् जलम् अस्ति परितस्य महोदयस्य कियत् ज्ञानम् अस्ति कियत् पुनः वेदुष्यम विदुष्टा कियत् वेदुष्यम अस्ति कियत् कितना कियत् छात्रा सन्ति कति छात्रा सन्ति हाँ कति छात्रा सन्ति और कियत् स्थानम् अस्ति सागरे कियत् जलं भवति मेघस्य पार्श्वे कियत् जलं भवति भूजनानां पार्श्वे कियत् ज्ञानं भवति पुनः तदेव अस्ति एकमपि तु पठामि यः सः यः तत्र उपविशति सः आर्यः यः तत्र उपविशति सः आर्यः यः अत्र अस्ति सः साजन मतलब जो वहां बैठा है वह आर्य है अय्या तत्र उपविशति सः सौम्या स्त्रीलिंग में या सा और पुल्लिंग में यः सः अनपसंग लिंगे यत् तत् यत् तत्र अस्ति तत् संगणकम् अस्ति जो वहां पर है वह कंप्यूटर है समीचीनम् यानी समाप्य हम पुनः संभाषणम् एव अस्ति तसंभाषणम् अत्र पश्यामः यानी महोदय संभाषणम् अस्ति यत् अथवा यत् किमपि thank you.
क्या हम देते हैं जब शास्त्र जैसा लग रहा है कि हमारे काफी होने चाहिए पाँच सौ में जब कोई आती है शास्त्र का पाँच सौ में दस मिनट तो पावर जी ना कैसे हो सकता है पावर में आपसे कैसे होते हैं उसको तो कैसे होते हैं पावर में ऐसा ही सारा कर सकते हैं तो अपने ऐसे टारगेट लेके हम कर सकते हैं समझे जल्दी के बाद केवल क्लास खत्म हो गया फिर हम घर पर अभ्यास करेंगे ऐसे नहीं रहेगा पर सप्ताह शनिवार रविवार को हमारा कन्वीनियंस के अंदर समय हो तो ड्यूरेशन जरूरी हो हम भिजक सकते हैं पर एक टारगेट लेके चलने के ऐसा मुझे लगता है छः महीने एक साल तक हमें डाटा का प्रदर्शन करते हैं आई आई टी के सामने क्योंकि पूरा स्टूडेंट सिस्टम 8000 है आई आई टी कितने साल जाते हैं बहुत कम फैकल्टी के साथ जाते हैं पर डाटे के उनको प्रदर्शन करके फुल पब्लिश नहीं होते तो हमारा मन में अगर रहेगा तो बहुत आपका नीचे और स्क्रिप्ट जो है वो कुछ मौजूद दे देंगे हमें फिर अभ्यास करेंगे हम कुछ नहीं for all men, but for that, as their shepherd, as some
spreader will do. So these are three components right now. Spreader will be published in time. जो फील्ड मेंशन कर रहे थे कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है फिर टॉपर डिसाइडेड कम से जितने कम से कम समय संबंधित एनजीसी के सो कॉल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड हैव टॉपर डिसाइडेड एंड वैसे आप तो केवल आप हाउ तक बात कर रहे हैं तो इससे यदि नाइस बुक पढ़ा सक गया मैंने इंटरनेट डिपार्टमेंट से बिलोंगिंग टू मीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन देयर इज अ देयर वर्क सो यू कैन हैव इट इन योर सेशन यू कैन फाइंड इट Asian student evaluation method, which is Shalaka Parisha, exams were conducted in three subjects, Sahitya, during the Mela, the students who were subjects of Sanskrit era, their Sanskrit style hoped to bring the entire nation together and rise towards a better future for the country. Once again, this Mela proved to everyone that Sanskrit is simple, positive, and innovative. घर पे हम जन्मदिन मनाते हैं अपने बच्चों को मनाते हैं तो इसके विषय में हम संस्कृत को कैसे स्प्रेड करें घर से रिलेटिव भी आते हैं फ्रेंड्स भी आते हैं तो एक अच्छा मौका है संस्कृत का जो ड्यूटी है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो भी मौका मिलता है हम उसको छोड़ना नहीं चाहिए इट शुड बी एक्सेप्टेबल लेवल एंड इंटरेस्टिंग काम भी होना चाहिए हैप्पी बर्थडे टू जो भी गाना होता है उसके लिए हम बिल्कुल कभी नहीं हैं रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस फिजिकल बट इट शुड नॉट अफेक्ट अवर लैंग्वेज संस्कृत में जन्मदिन गीत होता तो कैसा होगा वो भी छोटा होना चाहिए फिर छोटे एक्सपेरिमेंट मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगा पिछले वर्ष मेरा छोटा बेटा का पहला जन्मदिन हुआ तो लगभग 150 लोग आए थे सबको प्रिंट में देके सबको दिया था और हमने भी हमारे डिपार्टमेंट के कॉलेज से स्टूडेंट जो है हमारे साथ प्रैक्टिस किया और हम लोग मिलकर शुरू में हो गया अच्छा रिस्पॉन्स और दूसरा घर में जब जब रखे चले गए और अपने अपने घर में वो लोग ट्रायल कर रहे हैं इंग्लिश तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं तो जन्मदिन की कैसे सुनाई देगी आपके सामने रख रहा हूँ क्यों जो है फिनलैंड में जो संस्कृत अभिलाषी है वहां पर भी ऐसे संस्कृत संवाद शिविर जो चली थी जनता श्लोक वहां पर बच्चों को सिखाया गया और उन्होंने जो छोटा बच्चा है एक वो गाना करके आलू के लाभ दे तो ये उसका आलू जो लेकर हुआ ना राहुल जाएगा तो ठीक है पर देश पर मीनिंग है सुदिनम सुदिनम जन्मदिन तरह भव मंगलम जन्मदिन तरह तुम्हारा टू यू चिरंजीव कीर्ति वर्धन चिरंजीव पुण्य वर्धन विजयी भाव सर्वत्र सर्वदा जगति भाव सर्व विनाशकम तुम्हारा कीर्ति तो हमेशा गायब है तो ऐसे संस्कृत में जो है हम जन्मदिन श्लोक को केवल कर सकते हैं केवल हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते बाकी लोगों को पता नहीं पर जिनको पता है हम लोग बात अक्सर करेंगे या हमारे लिए तो क्यों जो है आपके सामने एक बार Thank you.
एक और फ्रेंड को कॉल करते हैं तो हम सब ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि दलित का कॉन्वर्सेशन लेकर पास करते हैं कि वक्रता मेरे तस्वीर में हमारा डेटा है और लड़का एक थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा है तो दोनों कहते अंग्रेजी कहते हैं संस्कृति कहते हैं पर हमारे जनरेशन में एक्सेप्टेंस नहीं करते तो ये कभी नहीं होता तो जहां जहां पॉसिबल है वहां दिखाई दे तो ये छोटा कटे इसका जनरेशन नहीं एक्सेप्टेंस ठीक है फ्यूचर प्लान के विषय में इसके पहले से एक वर्ष से हम हर शनिवार को मिल रहे हैं अब एक निर्णय लेके निकलेंगे कब निकलेंगे हर शनिवार में रविवार में शुक्रवार शाम में आप आते हैं दिन क्यों बढ़ता है या थोड़ी जैसा आप यदि इच्छा नहीं तो जहाँ से हम जिस टाइम में करेंगे आप दीजिए और जब चले जब तक आप रुकी लगने वाले काउंटर दिन कौन से बात नहीं करेंगे बट एटलीस्ट वीकली एक बार मिलना उचित लगता है मुझे हाथ चले तो आप समय कर दे रहे हैं चलो भाई शुक्रवार को संडे को मैं कहता हूँ शायद कुछ प्रोग्राम हो सकता है टाइम से जब बिजनेस रिटायर था ना सर संडे में बिजनेस आगे तक आया था ठीक है सैटरडे को कितने बजे तक शनिवार को शाम को एक बजे तक करें अच्छा हमारे एक बजे साढ़े पाँच से छः तो पहले शनिवार का दिन कल तो कल ही हो गया परसों सैटरडे का कितने बजे में पाँच बजे बजे
मेरे पास दे दीजिए जो आपको चाहिए, यहाँ से जैसे नंबर दे दो ऑर्डर दे दीजिए वो और एक विशेष सूचना ये है कि मंथली मैगजीन निकलती है तो संभाषण संदेश तो पूरा पत्र जो है संस्कृत में रहेगा और जो डिपार्टमेंट में जो आता है आपका अगर रेजिडेंट एड्रेस देंगे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे सामने कितना चंदा है इसका सब्सक्रिप्शन भी किसी को रुचि है तो बोल सकते हैं डायरेक्टली घर में आएगा एक महीने तक इसको हम पूरा पढ़ सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैगजीन है जोक्स रहेगा कहानियाँ रहेगी बच्चों के लिए बड़ों के लिए करंट अफेयर्स का कुछ आर्टिकल्स भी रहेगा उसमें और हमारा प्राचीन विज्ञान में संस्कृत में एक चैप्टर छुपा हुआ है हर एक सब मैगजीन में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा तो ये सोच छात्रों तरह के पहले आपसे विनती करता हूँ अपना अपना अनुभव जो दस दिन में आपने किया है आपकी भाषा में आकर सबके साथ में हिंदी कृष्णा इन्फॉर्मेटिव है कोई ऐसे पार्वली बोला ऐसे कुछ नहीं तो आप हिंदी में अंग्रेजी बोल सकते हैं संस्कृत बोलना जरूरी नहीं है जरूरी की बात है अच्छा नहीं लगा तो बोले मुझे अच्छा नहीं लगा बोल के बैठ गए कुछ सुनना भी हो तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन सजेशन से भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी चाहिए मुझे छात्रों ने इसको ऑर्गेनाइज किया इन लोगों के लिए आपका अनुभव बहुत प्रिय होगा पहले पहली बार संस्कृत क्लास के लिए गया स्कूलिंग में भी नहीं मतलब एक्सपीरियंस वेरी नाइस वेरी गुड स्पेशली टीचिंग मेथोडोलॉजी वाज एब्सोल्युटली गुड एक्सेल मैं भी एक प्रोफेशन से टीचर हूँ सो ये मेथोडोलॉजी मुझे बहुत पसंद जिस तरह से जो न्यू मतलब जो स्टार्ट कर रहे इस तरह से जो फ्रॉम द बिगिनिंग जो स्टार्ट कर रहे इसके लिए मेथोडोलॉजी परफेक्ट है एंड ऑर्गेनाइज भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और सही तरह से किया टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइमिंग भी सही था सिक्स थर्टी पूरा दिन अपना काम कर इसको एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी इवन है संस्कृत संध्या नाम से कह सकते हैं हां संस्कृत संध्या दैट वुड बी अ गुड टूल राइट और सर इवन मेरा एक्सपीरियंस मेनली तो ये सोनिया की वजह से मुझे आना हुआ जैसे मैंने नाम सोनिया और आगे का ही रखा था सोनिया मेरी बेटी है ये दिवर है साथ में दिवर सर तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था सर ने जैसे सजेस्ट किया ये प्ले काइंड ऑफ थिंग सो ये भी वेट बहुत ही सही है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे अभी करप्शन के अगेंस्ट में जो एक्टिविटी चल रही है उसके लिए वो स्ट्रिक्ट प्ले और जैसा एक करियर करें मतलब कुछ चीज़ों को आप ऐसे ही प्रमोट कर सकते हैं अगर आप इस पर फिल्म बनाओगे तो रिस्पॉन्स कम होगा अगर ऐसे कोई क्या कंपन वाले गेम में एक रोल चल जाए मतलब जैसे कोई है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक्स है दिस आर द बेसिक्स और बेसिक्स जानना इसीलिए मैं आई पर्सनली बिलीव टू नो द बेसिक्स एंड यू शुड स्टिक विद योर बेसिक्स बिकॉज दोस थिंग्स आर ये ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी की लाइफ में कभी उतर चढ़ाव मतलब आते रहते हैं पर इफ यू आर स्टिक टू योर बेसिक्स you can face any situation right what I personally do so ye jab se hum basics bhi bahut kuch jan liye mila एक्सपीरियंस रहा इनफैक्ट क्योंकि हम लोग के यहाँ
उत्तराखंड में सेकेंड लैंग्वेज हो गई है, लेकिन हमारे टाइम पे संस्कृत साइंस साइड में संस्कृत अलाउड नहीं, हमने सिर्फ एट तक पढ़ी। एट तक मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे, ग्रामर मेरी अच्छी थी, लेकिन यह है कि वोकैबुलरी इज नॉट गुड एट ऑल। तो मुझे बहुत इच्छा थी, इनफैक्ट यहाँ पे भी मैंने 17 ईयर्स यहाँ पी एस पी जी टी फिजिक्स पढ़ाया है यहाँ सेंट गैब्रियल्स अकेडमी में, और 17 ईयर्स तो मेरे को फिजिक्स से ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब संस्कृत का पेपर होता था तो मैं संस्कृत का पेपर जरूर देखती थी, और उनकी टीचर्स जो भी अगर उनका सॉल्यूशन के टाइम पे कई टीचर्स ऐसे थी कि यार मुझे क्यों दे दिया संस्कृत, इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं सॉल्व करूँ उनके साथ करके पेपर। तो मेरे लिए तो खैर मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और एट दिस एज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट आफ्टर सो मैनी ईयर्स has been a really enriching and satisfying experience for me. And मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम इसको आगे ऐसे बढ़ाएं। मुझे ये लगता है कि अगर हमें थोड़ा सा hesitation होता है कि हम जैसे मुझे लगता है कि हमें डायलॉग नहीं बोल पाएंगे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पीछे से उसको वो करें और आगे पीछे से हम कमेंट भी देते हैं और आगे आप कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, अगर हम if we are hesitant in speaking that, so that can also be done. And definitely, we hope that we go ahead with it. Thank you. क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर नहीं पता कि संस्कृत क्लास चल रहा है,
बहुत दुखी हो रहा हूँ। मुझे संस्कृत सीखने का इच्छा 8 क्लास से शुरू हुआ, तब से क्योंकि फ्रॉम 8 क्लास आई एम लर्निंग द वैदिक मैथमेटिक्स। हमारे वेदास में स्वीट मैथ्स के नाम से सभी सुना ही होगा, वो एक्चुअली वैदिक मैथ्स होता है। मैंने 8 क्लास से सीखा, मतलब 8 क्लास में बेसिक सीखा था। मैं तब से वैदिक मैथ्स क्या है बाद में कृष्णचंद्र स्वामी नाम से शायद एक ग्रेट स्कॉलर था, तो 21 साल सीरीज किया बाद में 21 साल अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पीजी किया। वो पूरा वेदास को डिगोर करके वेद मैंने कंप्लीट किया, लेकिन पूरा वो मतलब 90 से ज़्यादा परसेंट गायब हो गया, कोई छुड़ाया। लेकिन जो बचा है वही बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, मल्टीप्लीकेशन रूट्स कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तब लगा केवल 10% से हमको इतना पता चला और बाकी 90% हमको क्या हुआ, तब से मुझे संस्कृत सीखने का इच्छा है क्योंकि वेदास तो हम पढ़ सकते हैं बोले क्या है। और रिसेंटली मैंने आर्यभट्ट का एक प्रोजेक्ट के लिए सुनने के समय आर्यभट्ट का एक श्लोक मिला था पैके बारे में। आप बहुत आसान से लोगे ये संस्कृत क्लास के द्वारा आप बहुत आसान से मैंने डिकोड किया। चतुर्दिकं दशमश्चक्रम विशिष्टस्तदा सहस्राणाम ऐदितो विश्वक्रमसः उक्त परिवाहकः the diameter of the sorry the perimeter of the circle having diameter of 20,000 is given by just 62,300 something 800 that should be due to Sanskrit class only मतलब केवल एक small slope से। और इसमें special क्या है कि MY का value का error कितना है कि actual error से 2×10⁻¹% error आएगा जो हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं ना पाई 22/7 उनमें एरर 0.04% आएगा। सोचो एक बार सोचो मतलब इतना परफेक्ट एक ही स्ट्रोक से। और इसी तरह और एक स्ट्रोक है लाइट ऑफ ग्लास की, बहुत एक्यूरेट मिलेगा हमको। ये तो केवल सीखने से ही मिलेगा क्योंकि मतलब हम एक तरह डिकोड कर सकते हैं, केवल सोचने सीखने से ही हम डिकोड कर सकते हैं। मुझे 8 में से बहुत इच्छा है लेकिन वाला बात मुझे इच्छा है लेकिन मौका नहीं मिला, मतलब आई कांट एक्सेस माय वर्ड्स क्योंकि मैं बहुत अच्छे से धन्यवाद। तो वहाँ तक तो कुछ नहीं मिल पाया, रूममेट वगैरह हिंदी था,
की तरह उतना नहीं हो पाया, पर चीजों के नाम जानने में अच्छा लगा मुझे कि कभी जाके क्रिकेट को क्या क्या बोलते हैं, उनसे जाके बात करूँगा। और जब ही उसने दोस्त ने बोला था कि आज कंफ्यूज था, जब अपने दोस्त जो होते था कि आज क्लास स्टार्ट होगा, तो फिर मैं 6:30 से 5 मिनट 2-3 मिनट पहले की बात है, मैं जल्दी से भागा गया हॉस्टल में ही था उस टाइम पे, मैं क्रिकेट खेला तो बोला कि रणजीत जी का बात है तो मैं जाना चाहिए, तो मैं बराबर से बात कर रूम पर जाकर करके दूसरों करके बात करते हैं। मैं तो 2 दिन में थोड़ा जाते हैं काम से, इसलिए नहीं आया मैं, पर सर क्लास का प्रोटोकॉल बहुत अच्छा लगा कि अभी एक दो प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के शुभ दिन संस्कृत दिवस है। तो पिछले वर्ष जो मनाए थे संस्कृत बंधन जो जोगावर में, उस दिन सौभाग्य से दिनेश रावत अखिल भारतीय अधिकारी संस्कृत पढ़ाते हैं, उसने एक अच्छा प्रश्न किया, भारत माइनस संस्कृत इज इक्वल टू इंडिया। मतलब आपको लगता है कि भारत रहता है कि इंडिया शब्द कब से आया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है इंडिया दैट इज भारत, शुद्ध चले भारत प्रति जिंदा लिखना चाहिए, इंडिया दैट इज भारत से शुरू होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए वहां पे हम भारतीय आत्मा नहीं लिखते हैं भारतीय। सो ये आपके साथ रखना चाहता हूँ, भारत मैंने संस्कृत सीखो इंडिया, सो जो इसको हम इंडिया कहते हैं उसको भारत बनने के लिए हम सबको संस्कृत को सीखना, जैसे नीतीश ने कहा है उसको संस्कृत को प्रसार करना भी बहुत आवश्यक है, ऐसे प्रसार करना है आईआईटी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पे जो साहित्य है उसके ऊपर हम एक बार देखते हैं इसको सभी रोहन रीत्या स्वकीय अनुभव आज प्रस्तुतवान, तो अहम तो संतुष्ट यतोहि अहम इदानीं संस्कृत शिक्षक रूपेण पीडीएस विद्यालय कार्य करोमि, अत्र कार्यक्रम हुआ थी मंत्री कर दिया कि था दर्शन अस्पताल तो उदय अभिवादन की मान आई थी मंदिर शीघ्र चाले थी पुनः नवल मुदय संभवतः तथा रिकॉर्डिंग करो कि मुझे हेमंत मुदय तो नवल मुदय तद ईमेल कर दो अस्पताल प्राचार्य से मुझे प्रिंसिपल सर मुझे तो सब माम बहुत मान चुके प्रकोष्ठे तो भान तद शीघ्र चाले थी बहुत उत्तम कार्य थी भान तद भी कार्य करो थी पुनः अहम भी संतुष्ट है तो प्रथम अवसर हम आईआईटी मध्ये अत्र 10 दिवस शिविर चलाये हैं, तो ये साप्ताहिक शिविर पूर्व में प्रारंभ अभवत, तो हम वर्ष पूर्व अभी भवता संपर्क के आगमन रंजमा अब ऐसा अवसर है, पुनः हम इतो भी संतुष्ट यत्र इदानी संख्या तो न्यूना अस्ति परंच सर्वे इच्छुका सन्ति सर्वे इच्छन्ति वयं संस्कृतं जानीमः, तो अधिक संख्या अभी को भी लाभ बना केवल संख्या, तो हम अभी अति संतुष्ट संतुष्टा सन्ति यद् ज्ञानार्जनं भवति पुनः अग्रे मिलनं भविष्यति इदानीं समापयामः। यं वै इति कामन्त्रदृशः पुराणाम् यं वै इति कामन्त्रदृशः पुराणाम् इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति
Thank you.